हेलो बच्चों, तो आज मैं आप लोग को मदर्स डे पे कार्ड बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें एक ऐसा कार्ड जैसा बना लेंगे, वाइट पेपर का या कोई भी कलर का ले सकते हो। फिर पिंक कलर के और ग्रीन कलर के पेपर्स लेंगे। इसके हम स्क्वायर पीसेस में काट लेंगे। इसके साइज़ जो हमने मेंशन किए हैं 5:6 inches, आप स्केल से मेजर कर सकते हो। इसकी चौड़ाई और लंबाई 5:6 में होगी। उसके बाद आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे। इस तरह से फोल्ड करके आप कोन जैसा शेप बना लोगे। जो ओपन साइज होगा उसको हम सीजर की हेल्प से कट करेंगे। आप अगर छोटे हो तो अपनी पेरेंट्स की हेल्प ले लेना सीजर का से काटने के लिए। खुद मत काटना क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है, तो इसलिए मैंने काटा है, लिपि ने नहीं काटा है। अब इसको इस तरह से नीचे में कट लगाएंगे जिससे ये इस तरह का शेप आ जाएगा ट्राइंगुलर में। और इसके जो एक्स्ट्रा पेपर्स हैं वो हटा देंगे। देखो किस तरह से शेप्स आ रहे हैं ट्रायंगुलर शेप में, इस तरह से डिज़ाइन आ जाएगा। अब हम ग्रीन कलर का पेपर लेंगे। इसका भी मेजरमेंट मैंने यहाँ पे दे रखा है। इसका मेजरमेंट 2 inches जो होंगे उसके विड्थ होंगे, और जो लंबाई होगी ये फुल स्केल साइज आप ले सकते हो, या जितना बड़ा आपका कार्ड है उतना बड़ा ले सकते हो। मैंने फुल स्केल साइज लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक स्ट्रिप जैसा फॉर्म करेंगे जिसका हमें ब्रांच बनाना है। अब इसको ग्लू की हेल्प से हम एकदम मिडल में कार्ड के इनर साइड में, अंदर में हमें कार्ड के इसको स्टिक करना है मिडल में। अब हम कार्ड के ऊपर के पोर्शन को डेकोरेट करेंगे। इस तरह से मैंने पेंसिल कलर लिए हैं और इसकी तिरछी तिरछी लाइन खींची है मैंने स्केल के हेल्प से। मैंने 3 colors को यूज़ किया है। आप अपने मनपसंद कलर को यूज कर सकते हो। इस तरह से मैंने पर्पल दिया, फिर रेड दिया, और मैं फिर से ग्रीन दे रही हूँ इसके मिडल में, जैसे आप देख रहे हो। इस तरह से मैंने ग्रीन लाइंस भी इसके बीच में डाल दी है। इस तरह से हम फुल कार्ड को इस तरह तिरछी लाइंस से हम कवर कर देंगे। ये आपके लिए बहुत ही ईजीएस्ट वे है फ्रेंड्स, बहुत ईजी तरीके से बिना किसी एसेसरीज के आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। अब हम इसे ब्लैक कलर की पेंसिल से हम इस पर हैप्पी मदर्स डे लिख देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने मदर्स की स्पेलिंग में ओ नहीं लिखा, तो ओ मैं इसलिए नहीं लिखी हूँ क्योंकि ओ के प्लेस में मैं कुछ और इसमें डेकोरेट करना चाहती हूँ। साइड में मैंने आई लव यू लिख दिया है, इस तरह से आप भी लिख दो। आप अपने मनपसंद कलर की पेंसिल से यूज कर सकते हो। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये तो किड्स चैनल है। मैं कभी कभी मैं बच्चों के लिए क्राफ्ट्स की कुछ वीडियोस लाती रहती हूँ, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह से मैंने इसमें फ्लावर बनाया है। फ्लावर के लिए मैंने तीनों पेपर की जो हमने कटिंग बनाई थी उसको मैंने 1x1 तीनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्टिक कर दूँगी। ये सारा लिपि ने ही किया है, मैं उसकी बस हेल्प कर रही हूँ। इस तरह से हम फ्लावर बना देंगे इसका। और इसको ये जो ब्रांचेस मैंने बनाया था, ब्रांच मैंने ग्रीन कलर का बनाया था स्टिक, इसके ऊपर इसको ऐसे ही पेस्ट कर देंगे। अब हम लीफ बनाएंगे इसके लिए। इस तरह से पेपर को फोल्ड करके आराम से आप लीफ बना सकते हो। इस तरह से मैंने लीफ बना लिया है, और 2 पतली घास की तरह भी मैंने बनाया है। 4 मैंने लीफ बनाया टोटल, तो मैं उसको अब स्टिक कर दूँगी इस तरह से। आप स्टिक कर सकते। तो इस तरह से हमारा पॉपअप कार्ड बनके रेडी हो जाता है। जब भी आप कार्ड को ओपन करोगे तो फ्लावर जो है वो ब्लूम हो जाएगा पॉपअप होके। और देखिए मैंने यहाँ पे हार्ट स्टिक कर दिया है। ये मैंने ग्लिटर सीट का हार्ट बना के डाल दिया है। फ्लावर या कुछ भी यहाँ पे बना सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। हमारी अदर क्राफ्ट वीडियोस को भी जरूर देखना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एक्टिक विद लिपि। बाय फ्रेंड्स।